तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, और वो क्या था हमारे पास, फंक्शन पढ़ा था, क्या होता है, वन वन फंक्शन पढ़ा था हमने, क्या होता, ओड टू फंक्शन पढ़ा था हमने, क्या होता, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसे क्या बोलते थे, मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते थे, ओड टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते थे। अगर कोई फंक्शन दोनों है, वन वन एंड ऑन टू, इफ बोथ वन वन एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज बायजेक्टिव, बायजेक्टिव फंक्शन। अगर वो वन वन भी हो, बाय का मतलब क्या होता है, दो, इसका मतलब है दोनों, अगर वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे बोलते क्या है, बायजेक्टिव। वन वन की डेफिनेशन क्या होती थी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, फंक्शन चाहता था हर एक्स को एक वाई मिले, हर एक्स को यूनिक वाई मिले, ये फंक्शन। इसको हम कैसे चेक करते थे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, याद आ रहा है, सॉरी वर्टिकल लाइन टेस्ट से। उसके बाद हमने वन वन पढ़ा था, वन वन में क्या करते थे, हम हर वाई को भी हम चाहते थे एक एक्स मिले, तो वाई को भी एक से ज्यादा एक्स नहीं मिल सकता था, उसे क्या बोलते थे, वन वन। जरूरी नहीं था कि हर वाई को मिले, लेकिन जितने भी वाई को मिल रहा है उतनों को एक मिलना चाहिए। ऑन टू क्या चाहता था, ऑन टू चाहता था सब वाई को एक्स मिले, भले एक मिले, भले दो मिले, भले 50 मिले, लेकिन ये चाहता था सब वाई को एक्स मिले। कैसे प्रूव करते थे फंक्शन वन वन होगा, वन वन के लिए एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चल देते थे, और वहीं से कंक्लूड कर देते थे, मतलब सिंप्लीफाई करके प्रूव कर देते थे कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है। ग्राफिकली कैसे चेक कर सकते थे इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। हालांकि स्कूल में जब आप पेपर दोगे सीबीएसई के लिए तो ग्राफ प्रेफरेबल नहीं होता, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वाला प्रेफरेबल होता है। ऑन टू के लिए एक ही तरीका था, क्या, कोडोमेन और रेंज को बराबर कर देते थे। कोडोमेन हमें क्वेश्चन में, हाँ, रेंज क्या होता है हमारे पास, ग्राफ जितनी वाई एक्सिस कवर करेगा वो हमारी रेंज होगी, और कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी, वो दोनों चेक कर लेंगे। अगर हमारी जो रेंज हमने निकाली है और जो कोडोमेन है वो दोनों बराबर आ जाती है तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है। अब अगर फंक्शन वन वन नहीं हुआ तो वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो वो क्या होगा, इन टू फंक्शन। तो इसमें हमने मैनी वन और इन टू ये भी बात करी थी। मैनी वन और इन टू का अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है, क्या कहेंगे, वन वन नहीं है तो मैनी वन है, ऑन टू नहीं है तो इन टू है, अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है तो उसे क्या बोलते हैं, बायजेक्टिव। इतना टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमें चाहिए था, इतना हमने लास्ट क्लास में स्टडी भी करा था। बायजेक्टिव मैंने आज आज बताया, बाकी सारा पिछला था। अगर उसमें कोई डाउट है, वैसे हालांकि आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो तो क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, वीडियो आपके पास आ ही जाती है, वीडियो देखने के बाद उसे एक बार दोबारा वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप कर दिया करो, अगर कोई भी डाउट होता है। कुछ बच्चों ने एक आधा डाउट भेजा भी था, वो मैंने साथ के साथ क्लियर कर दिया था मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है, सीबीएसई में मैनी वन ऐसे ही बताएंगे, सीबीएसई में बस यही दिखा देंगे कि अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। एक्सरसाइज 1.2 मैंने करने को दी थी, 1.2 कितने बच्चों ने कर लिया जरा चैट बॉक्स में लिखना। अब हमारे पास है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉम्पोजिशन का मतलब है एक फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन। जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, मान लो ये एफ एक्स, ये मान लो कोई फंक्शन है एच एक्स, ये हमारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स लेता हूं और जी एक्स को एक्स स्क्वायर लेता हूं, तो एफ ऑफ जी एक्स बता दो, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एक फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होगा एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख दूं, जी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स था तो एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख दूंगा, मैं जी एक्स रख दूंगा, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ जी एक्स। तो ये हमारे पास एफ एक्स था, हर जगह क्या करा, एक्स की जगह हमने जी एक्स रख दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ जी एक्स।
तो साइन ऑफ जी एक्स जो कि क्या बना मेरे पास, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बना मेरे पास, ये मेरे पास क्या बना, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये एफ एक्स गिवन था मुझे, ये जी एक्स गिवन था मुझे। एफ ऑफ जी एक्स में क्या करा, एक्स की एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, क्योंकि ये बनाना है। अब देखो यहां से ये बनेगा कैसे, यहां से ये कैसे बनेगा, जब एक्स की जगह जी एक्स लिखा होगा, एक्स की जगह जी एक्स दोनों साइड लिखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स, फिर यहां से एक्स की जगह जी एक्स लिखा, ये बना एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ जी एक्स। तो साइन ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख जाइए, हमारा एफ ऑफ जी एक्स बन गया। इसी तरह से अगर मुझे जी ऑफ एफ एक्स बनाना होता मान लो, तो मैं क्या करता, मुझे एफ एक्स गिवन था साइन एक्स और जी एक्स गिवन था एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स में इसमें हर जगह एक्स की जगह क्या रख देता मैं, एफ एक्स रख देता। तो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसमें एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, एफ एक्स रख दिया, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का एक्स की जगह एफ एक्स आया, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर बन गया। और एफ एक्स था क्या, साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसमें करते क्या है, हम एक के इनपुट में दूसरा फंक्शन दे देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ आपको। एक एग्जाम्पल और ले देते हो, मान लो मेरे पास, मान लो एफ एक्स है रूट एक्स और जी एक्स हमारे पास है कॉस एक्स, फॉर एग्जाम्पल। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स में हर जगह जी एक्स लिख देंगे, तो वो बन जाएगा रूट ऑफ जी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, रूट ऑफ जी एक्स बन जाएगा, और जी एक्स क्या है, क्या कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स। काम खत्म हो गया। ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स कहेगा जब वो मुझे, तो जी ऑफ एफ एक्स में क्या करेंगे, कॉस ऑफ एफ एक्स, क्या करा हमने, जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया, यहाँ भी एफ एक्स आ गया, यहाँ भी एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स था क्या, रूट एक्स, तो ये क्या बन गया, कॉस ऑफ रूट एक्स। इतनी कहानी मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है। एफ ऑफ जी एक्स क्या है मेरे पास, कि एक का इनपुट दूसरे, एक फंक्शन का इनपुट दूसरा फंक्शन बनेगा, ये एफ ऑफ जी एक्स है। और यहां से एक बहुत आसान सी चीज आपको दिख रही है कि ऑब्वियसली एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स जनरली बराबर नहीं होंगे, एफ ऑफ जी एक्स, और क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स अलग आएगा जी ऑफ एफ एक्स, हाँ कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर नहीं है। अब ये जो एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स में बोल रहा हूँ, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ जी, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखूं या ऐसे, ऐसे जी ओ एफ लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, एफ ऑफ जी लिखा मिले ये, या जी ऑफ एफ लिखा मिले, इसका मतलब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम होती है हमारे पास। तो एफ ऑफ जी एक्स आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से क्या होता है। ठीक, अब इसमें एक छोटी सी समस्या है, जैसे मान लो एफ ऑफ जी एक्स, हालांकि ये सीबीएसई का पॉइंट नहीं है जो बता रहा हूं, लेकिन फिर भी सुनो, एफ ऑफ जी एक्स मुझे उसने कहा कि साइन एक्स का मॉड है, ठीक है, मुझे कहा एफ एक्स और जी एक्स पहचानो। तो अगर मैं कहता हूं कि एफ एक्स मेरे पास रूट एक्स है और जी एक्स मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स मेरे पास रूट एक्स है और जी एक्स मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो जब मैं एफ ऑफ जी एक्स बनाऊंगा, तो एफ ऑफ जी एक्स जब मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विच इज साइन एक्स का मॉड। यही आया कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स मेरे पास मॉड एक्स है और जी एक्स मेरे पास साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा मेरे पास, मॉड ऑफ जी एक्स विच इज मॉड ऑफ साइन एक्स। अभी भी यही है। तो हम क्या कहते हैं, जब एफ ऑफ जी एक्स गिवन हो तो वो अलग अलग पेयर से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही पेयर से बन रहा होगा, एक से ज्यादा से भी, एफ एक्स और जी एक्स अगर मैं ये ले लेता हूं तब भी वही बन सकता है, ये ले लेता हूं तब भी यही बन सकता है। पॉइंट क्लियर हो। हाँ, लेकिन अगर मुझे एफ एक्स एंड जी एक्स गिवन है तो जो एफ ऑफ जी एक्स बनेगा वो एक ही बन सकता है, इससे इधर जाऊंगा तो एक ही बनेगा, लेकिन इससे जब वापसी आऊंगा तो एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर मुझे वो कहे ये दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स बताओ, तो एक से ज्यादा पेयर भी पॉसिबल हो सकते हैं।
हालांकि सीबीएसई में वो ऐसा कुछ नहीं पूछता है, सीबीएसई में सीधा एफ एक्स देता है, जी एक्स देता है और एफ ऑफ जी एक्स, और बेसिकली काम आता है हमारे इनवर्स निकालने के। लेकिन कॉम्पिटिशन में हम लोग इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। हाँ, कॉम्पिटिशन से एक चीज और रिलेटेड बता देता हूँ, बहुत जल्दी मैं कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का अभी, क्योंकि लॉकडाउन जल्दी कुछ पता नहीं है कब खुलेगा क्या होगा, केसेस दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, तो एजुकेशन फील्ड हमारी जो फील्ड है उसमें तो वैसे भी मास गैदरिंग है, तो थोड़ा टाइम के बाद ही खुलेगा। तो अभी तक हम सीबीएसई कर रहे थे, तो थोड़े ही दिन हम सीबीएसई और करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कॉम्पिटिशन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिशन मोस्ट प्रॉबली हम लोग कैलकुलस पहले करेंगे, मतलब ये फंक्शंस और लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर जो है थ्रू आउट वो पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बाद में करेंगे, ठीक है। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और उसके सीबीएसई और कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जैसे फंक्शन, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो अभी ये फंक्शन जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, मैक्सिमम एक चैप्टर और करेंगे इनवर्स, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कॉम्पिटिशन पे, या फिर हो सकता है इसके बाद ही चले जाएं, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा बीच में जैसे भी होगा, ठीक। लेकिन फिलहाल पहले इसको सीबीएसई का एक दो लेक्चर ही और लगेंगे, और शायद कोशिश करते हैं मैक्सिमम एक या दो लेक्चर में कंप्लीट ही हो जाए, आज ही कंप्लीट हो जाए वैसे। तो एफ एक्स और जी एक्स अगर गिवन होंगे तो एफ ऑफ जी एक्स बनाना आ गया हमें, लेकिन अगर एफ ऑफ जी एक्स इवन होगा और वापसी जाना है तो एक से ज्यादा पेयर भी बन सकते हैं, हो सकता है कोई एक है कोई एक है, दोनों ही अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखो एफ ऑफ जी एक्स, मैं तुम्हें एक मैपिंग बना के दे रहा हूँ, ये एफ फंक्शन है सेट ए टू सेट बी। हम क्या कह रहे हैं, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एफ डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी। जी एक फंक्शन है हमारे पास, ये जी कोई फंक्शन होगा, जी एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, कोई फंक्शन होगा जी हमारे पास डिफाइंड है सेट ए टू सेट सी। तुम्हें ये बताना है कि एफ ऑफ जी कहाँ से कहां तक डिफाइंड होगा, ए से सी, बी से सी, ऐसे। तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है कि ए से सी डिफाइंड होगा, दूसरा ऑप्शन है कि सी से ए डिफाइंड होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार, सुनना है तो क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एफ ए से बी डिफाइंड है, जी बी से सी डिफाइंड है, तो एफ ऑफ जी कहाँ से कहां तक डिफाइंड होगा, ए से सी या सी से ए। ये दो ऑप्शन दिए आपको, पहले या दूसरे में से ऑप्शन में अपना आंसर लिखो फटाफट। काफी सारे बच्चे वन लिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे टू लिख रहे हैं, इसका मतलब आधे तो सही होंगे और आधे गलत भी होंगे। अब देख लेते हैं एक बार, F डिफाइंड था यहां से, यहाँ G डिफाइंड था यहां से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, F of GX चाहिए था, है ना। ये X है हमारे पास ये X है हमारे पास, तो ये यहां पे जाके क्या बन जाएगा, FX बन जाएगा। ये एक्स है हमारे पास, ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, एफ ऑफ जी की जगह जी ऑफ एफ चाहिए था अपने को। एफ ऑफ जी तो इस फोटो से बन ही नहीं पाएगा हमारे पास जैसे फंक्शन डिफाइंड है। चलो कोई बात नहीं, क्या ये हमारे पास एफ था, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। अब ये एफ एक्स जी के लिए क्या बनेगा, इनपुट बनेगा, तो ये यहाँ जाके ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, समझ रहे हो। देखो दोबारा से, ये एक्स था तो आउटपुट में फंक्शन एफ अप्लाई कर दिया तो आउटपुट में क्या मिला, एफ एक्स। ये एफ एक्स जी के लिए क्या बना है, इनपुट, तो फंक्शन में जी अप्लाई करा, मतलब इस इनपुट पे जी अप्लाई करा तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब जब एक्स यहां से मूव कर रहा है तो यहाँ जाके वो क्या बन रहा है, जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब मैं ये कह दूं जो यहां से यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा वो हमारे पास जी ऑफ एफ होगा, होगा या नहीं, जो यहां से यहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा वो जी ऑफ एफ होगा। इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए था, जी ऑफ एफ एज इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए था, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। अगर यही मुझे वो बनाना होता दूसरी फोटो एफ ऑफ जी एक्स वाली, तो हम कुछ ऐसे लिखते, देखो पहले जी फंक्शन अप्लाई होता उसके बाद एफ फंक्शन अप्लाई होता, तो ये ए ये बी
ये सी, यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ क्या बन जाता जाके इनपुट, जी एक्स बन जाता, और फिर यहाँ जाके वो बन जाता जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि जी इनपुट बना किसके लिए, एफ के लिए। कौन क्लियर हुआ? तो जी इनपुट बना किसके लिए, एफ के लिए। तो इस वाले केस में हमारे पास यहां से यहां फंक्शन जो ए टू सी डिफाइंड होगा वो क्या होगा हमारे पास, जी एक्स, ये सॉरी एफ ऑफ जी एक्स, क्योंकि जी इनपुट बना है एफ के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी। तो इस केस में अगर हम कह रहे हैं कि जी फंक्शन डिफाइंड है ए से लेके बी और एफ फंक्शन डिफाइंड है बी से लेके सी, तो एफ ऑफ जी हमारे पास डिफाइंड होगा ए से लेके सी तक। पॉइंट क्लियर हुआ आपको कैसे देखना है? ये एक्स था, एक्स यहाँ जाके क्योंकि एफ फंक्शन ने अप्लाई करा तो एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, एफ एक्स में। अब ये एफ एक्स जी के लिए क्या बना है, इनपुट बना है, तो जी ऑफ एफ एक्स इनपुट, फिर आउटपुट में क्या मिलेगा जी ऑफ एफ एक्स। तो यहां से यहाँ पे क्या हुआ फंक्शन डिफाइंड, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ऐसे यहाँ पे ये फंक्शन था जी, एक्स में किस में कन्वर्ट हो गया होगा, जी एक्स में। फिर एफ अप्लाई हुआ तो जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स में, एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ से एक्स था यहाँ बन के एफ ऑफ जी एक्स बना, तो यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड होगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास कि कहाँ से कहाँ पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा। ज्यादातर जी ओ एफ यूज होता है, तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, ए से सी, ये याद रखना। जी ओ एफ अगर एफ डिफाइंड है ए से बी, बी डिफाइंड है सॉरी एफ डिफाइंड है ए से बी और जी डिफाइंड है बी से सी, तो हमारे पास जी ओ एफ डिफाइंड होगा ए से लेके सी तक। इतना में कोई डाउट? केस वन में हम एफ ऑफ जी नहीं लिख सकते क्योंकि इनपुट में एफ ऑफ, जब मैं एफ ऑफ जी एक्स लिखता हूं तो इनपुट किसके पास जाता है, जी के पास। लेकिन यहाँ पे फोटो में क्या दिख रहा है कि इनपुट किसके पास गया, एफ के पास। इसलिए यहाँ से सिर्फ जी ऑफ एफ ही डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे इनपुट किसके पास गया, जी के पास। तो यहाँ से हम एफ ऑफ जी एक्स, देखो फर्क समझो ना दोनों फोटोज में, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये इनपुट किसके पास जाना चाहिए, हमारे पास इनपुट जाना चाहिए हमारे पास जी के पास। तो पहले जी अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स इनपुट किसके पास जाना चाहिए, हमारे पास एफ के पास। तो पहले एफ, पहले इनपुट एफ में जाएगा फिर उसका आउटपुट जी में जाएगा। तो पहले इनपुट एफ में गया फिर उसका आउटपुट जी में गया। इतना पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये काम कैसे आएगा हमारे, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि ये अपने काम कैसे आएगा। ठीक, वो हमें क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले, वो हमें क्वेश्चन देगा ऐसे कि हमारे पास एफ फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल -7/5 से ऑल रियल -3/5 तक, यहां से यहां तक, सच दैट एफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, 3x+4/5x-7। एंड एक जी फंक्शन डिफाइंड है जो कि हमारे पास r-3/5 से लेके r-7/5 तक है, और जी एक्स है क्या हमारे पास, 7x+4/5x-3, 7x+4/5x-3। अब इसमें मैं आपको कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको मुझे f ऑफ जी एक्स बताना है एंड g ऑफ एफ एक्स बताना है। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है और जी ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, दोनों चीजें हमें निकालनी है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास कॉपी होगी, अपनी कॉपी में सब सॉल्व करो फटाफट से। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, तो सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल दो, ये अपनी कॉपी में निकालो, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या करना होगा हमें, एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 3gx+4/5gx-7, 3gx+4/5gx-7। क्या करा, एफ एक्स में हर जगह एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, तो ये बनेगा 3×7x+4/5x-3+4×5×7x+4/5x-3-3, ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स। हमारे पास ऐसा था
हर जगह x की जगह जी एक्स रख दिया और जी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब इसको आप एलसीएम लोगे, एक तो कैंसिल ही हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई और करोगे तो ये आपके पास x के बराबर आ जाएगा जब भी सिंप्लीफाई करोगे। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया, चिराग सैनी ने सबसे पहले आंसर दिया, आंसर इसका x आया है। तो फास्टेस्ट सिंगल फर्स्ट में चिराग सैनी जीत गए हैं, अब बाकी लोग आंसर मत लिखना। ऐसे ही जब मैं जी ऑफ एफ एक्स करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब जी एक्स में हर जगह एफ एक्स लिख दो, तो बनेगा 7 इंटू एफ एक्स प्लस 4 अपॉन 5 इंटू एफ एक्स माइनस 3, ऐसे ही बनेगा। तो अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू, हाशिमा ने आंसर दिया x, बिल्कुल सही, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी x आ जाएगा हमारे। निकिता ने भी सही आंसर दिया बिल्कुल, ये और ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे। ये सिर्फ मैंने इवेल्युएट करना सिखाया कि एफ ऑफ जी एक्स जब भी वो कहेगा तो एफ ऑफ जी एक्स बनाना कैसे। अब ये एग्जाम्पल मैंने किस लिए उठाया, क्योंकि ये काम आएगा अभी थोड़ी देर में, इनवर्स पढ़ेंगे तो काम आएगा वो हमारे पास, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो जब भी एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों एक्स के बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है, ये अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। तो इस एग्जाम्पल को दोबारा रिकन्सिडर करेंगे, अभी आपको एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकालना आ गया होगा मेरे ख्याल से, सही है। और अगर इनवर्स आपको याद भी हो तो जब भी x और y को इंटरचेंज कर देते थे तो फंक्शन इनवर्स बन जाता था। यह हमने बहुत स्टार्टिंग में करा था जब बेसिक मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, याद करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग वाले फंक्शन पे हम लोग ऐसे गए थे इस ऑपरेशन से, और इसको हमने ज्योमेट्रिकली देखा था, इसका मतलब क्या होता था, इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, याद आ रहा है, जिसको याद आ गया चैट बॉक्स में लिख दो यस, जिस जिसको नहीं याद आया वो नो लिख दो। एक्सपोनेंशियल पढ़ा था जब हमने, काफी सारे यस आ गए, सभी यस आए, दो या तीन नो आए। तो नो वाले लोग एक बार बेसिक मैथ की कॉपी उठाना, उसको देखना। इसमें हमने एग्जांपल लिया था 1.2, 2.3, 3.4 ऐसे पॉइंट्स लेके जब x और y इंटरचेंज करके दूसरे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रहे थे तो y इक्वल टू x के अबाउट इमेज आ गई थी। खैर नहीं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इनवर्स करेंगे तो फिर से एक बार देख लेंगे अगर टाइम हुआ अपने पास तो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, मान लो ऐसा, शो डेट f f defined from a to b and g defined from b to c are 1-1, f और g दोनों जो है वो 1-1 है, तो g of f के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, जो कि डिफाइंड होगा a से c, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो। तो मुझे अब चेक करना है g of fx के बारे में कि g of fx हमारे पास क्या होगा। मैं क्या लेके चलूंगा, लेट g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2, f ऑफ समथिंग ऑफ x1 इक्वल्स टू समथिंग ऑफ x2। अगर मैं इससे कंक्लूड कर पाया कि x1 और x2 बराबर है तो ये फंक्शन मेरे पास 1-1 हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अगर मेरे पास, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 बिकॉज g इज 1-1। अगर g 1-1 है तो g ऑफ x1 g ऑफ x2 के बराबर है, तो वो इम्प्लाई करेगा x1 x2 के बराबर है। तो g का आउटपुट अगर बराबर आ रहे हैं तो इनपुट बराबर होंगे, इस टाइम इनपुट में कौन है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो g के आउटपुट बराबर थे तो मैंने इनपुट को भी बराबर करा दिया क्योंकि g 1-1 था। ऐसे ही ये इम्प्लाई करेगा कि x1 और x2 बराबर है क्योंकि f इज ऑल्सो 1-1। तो दिस इंप्लाइज g ऑफ एफ एक्स इज 1-1। तो आप याद रखोगे अगर f और g दोनों 1-1 है तो g ऑफ f भी क्या होगा, हमेशा 1-1 होगा।
अगर एफ और जी दोनों वन वन है तो जी ऑफ एफ भी क्या होगा, हमेशा वन वन होगा, लेकिन वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। हालांकि वाइसा वर्सा एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, कंपटीशन में पढ़ेंगे तब बताऊंगा क्यों ट्रू नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि ये वन वन है तो ये दोनों भी वन वन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम उस टाइम कंडीशन डिराइव करेंगे कि इनमें से किसका होना जरूरी है वन वन और उसका किसका नहीं, लेकिन अभी के लिए जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो ये है कि एफ और जी अगर दोनों वन वन है तो जी ऑफ एफ भी क्या होगा हमारे पास, वन वन होगा। कितना पॉइंट क्लियर हो गया, कितना पॉइंट क्लियर हो गया। और सिमिलरली एफ और जी दोनों वन वन है हमारे पास तो जी ऑफ एफ भी, एफ ऑफ जी भी हमारे पास क्या होगा, वन वन होगा। ठीक, अब यही चीज ऑन टू के लिए भी है हमारे पास। अगर हम ये कह रहे हैं कि एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू, दिस इंप्लाइज जी ऑफ एफ इज ऑल्सो ऑन टू। अगर एफ और जी दोनों ऑन टू है तो एफ ऑफ जी, मतलब एफ ऑफ जी हो या फिर जी ऑफ एफ हो, दोनों ही ये ऑन टू होंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब एफ ऑफ जी के बारे में हमें पता चल गया कि फंक्शन का मतलब है क्या, मतलब एक के इनपुट में दूसरा फंक्शन, इसका मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इन्वर्टेबल फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। स्क्रीन अगर ब्लर होती है तो 2 मिनट वेट करा करो, क्योंकि वो कैमरा ऑटो फोकस करता है तो एकदम से ठीक हो जाती है 1-2 मिनट में, 1-2 सेकंड में, सॉरी। तो वेट कर लिया करो 2-4 सेकंड, उतने में अपने आप सही हो जाएगी वो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको क्या डेफिनेशन है, उसके बाद मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। अब वो कह रहा है एफ एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल। देखो इनवर्स का बेसिक मतलब क्या है, उससे उल्टा फंक्शन लिखना। जैसे ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये फंक्शन एफ है, ठीक है, और इसके जो इनपुट्स हैं वो कुछ ऐसे लिंक्ड है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। इसका जो रिवर्स फंक्शन बनेगा, रिवर्स फंक्शन मतलब ऐसा, ये कोई फंक्शन है जी, ठीक है, तो ये ए बी सी 1 2 3, ए किससे लिंक था, 2 से, तो ए किससे हो जाएगा, 2 से, बी किससे हो जाएगा, 1 से, सी किससे हो जाएगा, 3 से। ये इनवर्स का एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बनाया मैंने। अगर एफ फंक्शन ऐसा है तो उसका इनवर्स जिसको मैं जी फंक्शन कह रहा हूँ वह ऐसा होगा, मतलब इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए और आउटपुट इनपुट में। और यही तो मतलब था वाई और एक्स के इंटरचेंज में, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, आउटपुट इनपुट में। एक्स और वाई इंटरचेंज का मतलब ही क्या होता है, एक्स कौन होता था इनपुट, वाई कौन होता था आउटपुट, इंटरचेंज कर दिए तो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो गया और आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी को इस एग्जाम्पल में डाउट है, मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आपको इतना समझ आ गया होगा कि इनवर्स का मतलब क्या है, कि अभी टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा, इनवर्स कैसे निकालना है ये सब बताऊंगा, कि इनवर्स का बेसिक लेमैन लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है कि इनपुट को आउटपुट बना लो, आउटपुट को इनपुट, सेम फंक्शन के अंदर। कि इसका आउटपुट बी आ रहा था तो बी का 1 आएगा, 2 का ए आ रहा था तो ए का 2 आएगा, रिवर्स लिख दो। अगर किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है तो एक बार लिख दो फटाफट से, अगर कोई डाउट नहीं है तो कुछ मत लिखना, अगर डाउट है तो लिख दो, अगर ये नहीं समझ आया या कुछ। तो किसी बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है अभी तक तो मतलब आ गया होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब मैं कुछ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, ये तो बहुत, हाँ यही मतलब है बेटा, कंफर्म मत करो, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, भरोसा रखो अपने आप पे, वो चेक मत करो बीच बीच में कि भाई मेरे से चेक करा रहे हो कि सर अगर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज का मतलब ही इनवर्स है, यही तो बता रहा हूँ मैं, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो रहे हैं इसका मतलब इनवर्स है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखता हूँ इस एग्जाम्पल को, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। देखो 1 2 3 4 ए बी सी ये फंक्शन था एफ, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये इधर मान लो, इसको इधर मान लो, इसको इधर मान लो, इसको इधर मान लो, ये फंक्शन बना लिया मैंने। ठीक है, इसका रिवर्स बनाते हैं जी फंक्शन कुछ, तो ए ए बी सी इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 इधर आ जाएंगे, 1 किससे लिंक था, बी से, तो बी किससे हो जाएगा, 1 से,
ए टू से, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर एफ ऐसा फंक्शन है तो जी कुछ ऐसा, बिल्कुल रिवर्स बना दिया, सेम पलट दिया, इनपुट की जगह आउटपुट, बाकी सारा कुछ सेम रखा, तो जी ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या जी हमारे पास फंक्शन है? एट एस नॉट अ फंक्शन, किस वजह से? क्योंकि ये देखो इसको दो दो वाई मिल गए, लेस देन का साइन तो अलाउड ही नहीं होता था कभी, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं बन पाया। इसका मतलब ऐसे जो फंक्शन होंगे उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही कह रहा हूं? ऐसे जो, अब ऐसे का क्या मतलब है? मैनी वन, देखो ये मैनी वन था ना, वन वन नहीं था, तो मैनी वन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज फंक्शन मस्ट बी वन वन, जो इनवर्स, जिस भी फंक्शन का मैं इनवर्स चाहता हूं वो वन वन जरूर होना चाहिए। इतना पॉइंट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बहुत आसानी से, ठीक है? अगर इसमें कोई डाउट है तो लिख दो, ये मत लिखना, रिपीट कर दो, पहले ही बता रहा हूं, बहुत आराम आराम से कंसेप्ट समझा रहा हूं। हाँ, अगर कोई वैसे डाउट आ रहा है लिख दो, रिपीट तो आप उसमें भी, अभी ओन टू पे आ रहा हूं, अभी देखो आप फिर आगे भाग जाते हो, अभी ओन टू पे आया ही नहीं, मैंने वन वन की बात करी, अभी और एग्जाम्पल लूंगा जिसमें ओन टू पे भी आऊंगा, घबराओ मत, दोनों एक ही में ले लेता तो आधे कंफ्यूज हो जाते, इस वजह से एक एक करके लिया मैंने, ठीक है? आ रहा हूँ, अब ओन टू पे आ रहा हूँ, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, वही दोबारा से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वन टू थ्री, ए बी सी डी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये एफ डिफाइन था, इसका रिवर्स बनाया, जी ए बी सी डी, वन टू थ्री, ए वन इधर, बी किस पे था? थ्री पे, ए इधर, ऐसा हुआ। अब ये देखो ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें फंक्शन ओन टू था पर वन वन नहीं था, ठीक है? तो वन वन अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने लिख दिया मस्ट बी वन वन, ठीक है? इसमें अब वन वन तो है, ये वाला फंक्शन वन वन तो है, लेकिन ओन टू नहीं है, ओन टू नहीं है, और उसका रिवर्स मतलब इनवर्स बना दिया मैंने, तो ये खाली रह गया। और लेकिन हम क्या चाहते थे? हर एक्स को वाई मिले, इसका मतलब ये भी इट एज नॉट अ फंक्शन, समझ गए? क्यों? क्योंकि फंक्शन की दो कंडीशन थी, एक हर एक्स को वाई मिले, एक हर एक्स को यूनिक वाई मिले। अब इसमें यूनिक नहीं मिला इसलिए फंक्शन नहीं है, इसमें इस एक्स को वाई ही नहीं मिला इसलिए फंक्शन नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से मुझे पता चल गया फंक्शन मस्ट बी ओन टू, इतना भी क्लियर हो गया। अगर ओन टू नहीं हुआ तो ये खाली बच जाएगा, और खाली, अगर ओन टू का मतलब क्या होता था कि खाली ना बचे, अगर ओन टू नहीं हुआ कोई फंक्शन तो ये खाली बच जाएगा, और खाली बच गया तो जब मैं पलटूंगा इन्हें तो यहाँ खाली आ जाएगा, जिसकी वजह से वो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दो चीजें कंक्लूड करी हमने, पहली फंक्शन को वन वन होना जरूरी है, दूसरी फंक्शन को ओन टू होना जरूरी है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ओन टू बोथ। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का वन वन होना और ओन टू होना दोनों होना चाहिए। इसका मतलब बायजेक्टिव इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर बायजेक्टिव फंक्शंस। बायजेक्टिव अभी बताया था, जो वन वन और ओन टू दोनों होते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ मैंने कंसेप्चुअली, आपको एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी मिलेगी, इट इज डिफाइंड फॉर इनवर्टेबल फंक्शन, इनवर्टेबल मतलब इनवर्स ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर बायजेक्टिव फंक्शन व्हिच इज बोथ वन वन एंड ओन टू। लेकिन उस लाइन को मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि क्यों, क्या रीजन है कि वन वन होना चाहिए, क्या रीजन है कि ओन टू होना चाहिए, क्या कहाँ समस्या आती है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन वन वन, अगर उसके अलावा भी आप ये कहते हो कि उसके अलावा भी किसी को कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो हम सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि वो वन वन ओन टू है या नहीं है। अगर वो वन वन ओन टू दोनों हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, अगर वन वन ओन टू दोनों नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा। पॉइंट समझ आ गया?
अब आ जाता हूं डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन बता रहा हूं कि इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। वो कह रहा है अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x से लेके y तक, x और y कोई सेट है, अ फंक्शन f x टू y इज सेड टू बी इनवर्टेबल, फंक्शन x टू y सेट टू बी इनवर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g विच इज डिफाइंड फ्रॉम y टू x। देखो ये x टू y डिफाइंड था, इसको क्या करा y टू x, सच दैट g ऑफ f इज आइडेंटिटी इन x एंड f of g is identity in y, the function g is called inverse of f. It is denoted by f inverse x equals to gx. ऐसे denote करते हैं f inverse x equals to gx. अब इस definition में बहुत सारी चीजें नहीं आ गई एकदम से, अब एक एक करके मैं उन चीजों को explain करता हूँ। तो x से y था, y से x, ये तो हमने देख लिया। इज सेट टू बी इनवर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट क्यों लगाया उसने, क्योंकि इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन 1-1 और 1-2 दोनों होगा। फंक्शन 1-1 होगा तो एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन 1-2 होगा दोनों अगर है तो, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इसने क्या कहा कि इफ एग्जिस्ट। और दूसरी चीज, एफ जी कोई ऐसा एग्जिस्ट सच दैट जी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ये बताता हूँ आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है y इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल टू x। इसका मतलब जब मैं f ऑफ g निकालूं और g ऑफ f निकालूं, दोनों से आइडेंटिटी आ जाए। अब ये आइडेंटिटी x पे और आइडेंटिटी y पे, इसका क्या मतलब, g ऑफ f का मतलब क्या था मेरे पास, g ऑफ एफ एक्स। तो इसमें अगर इनपुट देखोगे, मतलब डोमेन देखोगे, ये जो x है ये वैल्यूज लेगा x से, क्योंकि f पहले इनपुट किस में जाना है, f में, फिर उसका आउटपुट किस में जाना है, g में। तो डोमेन जो आ रही हुई, जो बेसिक इनपुट मिल रहा है, वो किसका मिल रहा है आपको, f का। इसलिए आइडेंटिटी इन x इस सेट का आउटपुट आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यू इनपुट हो रही होगी वो x। ऐसे ही इसमें अगर देखो तो ये क्या है g ऑफ, सॉरी ये क्या है f ऑफ g। f ऑफ g का मतलब क्या होता है, f ऑफ gx। अब इसमें जो x की वैल्यू इनपुट हो रही होगी वो y सेट से हो रही होगी, क्योंकि g की डोमेन में, मतलब g के लिए जो इनपुट है वो y है, इसलिए इसको i ऑफ x लिखा है, इसलिए इसको i ऑफ y लिखा है। दोनों का मतलब है आइडेंटिटी। पॉइंट क्लियर हो गया इतना, ये x और y जब सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं वो एग्जाम्पल उठाता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कराया था, जब हम f ऑफ gx पढ़ रहे थे, ये एग्जाम्पल था वो, हमने, मैंने कहा था थोड़ी देर में इसको दोबारा यूज करूंगा। ये एफ एक्स था, ये जी एक्स था। जब हमने एफ ऑफ जी एक्स निकाला क्या आया, एक्स। जब हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाला क्या आया, एक्स। इसका मतलब दिस एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो उस टाइम नहीं पता था, उस टाइम सिर्फ हमने निकाल के छोड़ दिया था। तो जब भी मुझे दो फंक्शंस को इनवर्स ऑफ ईच अदर दिखाना होगा तो क्या मैंने, मुझे करना क्या होगा, f of gx निकालना होगा equals to x ले आऊंगा, g of fx निकालना होगा equals to x ले आऊंगा। अगर ये दोनों x के बराबर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, ये दोनों अगर x के बराबर आ जाते हैं तो f और g एक दूसरे के इनवर्स होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, अगर दोनों x के बराबर आ गए तो f of g एक, f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब एक चीज और क्रॉस चेक करा देता हूँ, देखो यहाँ से fx क्या था मेरे पास, fx था मेरे पास 3x plus 4 upon 5x minus 7, और gx था मेरे पास, हमेशा f of gx और g of fx x के बराबर आने चाहिए हमेशा, और gx मेरे पास क्या था 7x plus 4 upon 5x minus 3, ठीक है। ये fx था, ये gx था, ये हमने निकाला ही हुआ एक दूसरे के इनवर्स है, मुझे पता है। तो कई बार वो क्या करता है, वो एक फंक्शन दे देता है ये और कहता है इसका इनवर्स बताओ। क्वेश्चन समझ आया आपको, वो हमें क्या कहता है, अभी इसको हटा देता हूं, वो कहता है ये फंक्शन एफ एक्स मैं आपको दे रहा हूं, इसका इनवर्स बताओ। तो आप कैसे बताते हो, देखो
वो कह रहा है एफ एक्स और जी एक्स, उसने वो दे दिया एफ एक्स, हमें दे दिया कि एफ एक्स आपके पास 3x+4 अपॉन 5x-7 है, इसका इनवर्स बताओ। तो आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू 3x+4 अपॉन 5x-7 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब ये y एज फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, आप क्या करो x एज अ फंक्शन ऑफ y लिख लो, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिख लो। x एज अ फंक्शन ऑफ y के लिए क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5xy-7y=3x+4, 5xy-7y=3x+4। अब इसको इस साइड ले आता हूँ, 5xy-3x=7y+4, ऐसा माना, यहां से x कॉमन लेता हूँ तो 5y-3=7y+4, x की वैल्यू क्या आ गई, 7y+4 अपॉन 5y-3, और इसी में x और y को इंटरचेंज कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, इनवर्स मिलता है। ये इंटरचेंज आप पहले स्टेप पे भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली पहले पे ही कर देते हैं, तो क्या बनेगा, y=7x+4 अपॉन 5x-3। जरा चेक करो, देखो जरा, जी एक्स यही तो गिवन था हमें उस टाइम। तो जब हमें इनवर्स खुद से निकालना होगा, जब हमें इनवर्स खुद से निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू दिस लिखूंगा। अब चाहो तो इसी स्टेप पे भी x और y इंटरचेंज कर सकते हो, देखो कैसे, जैसे y इक्वल टू 3x+4 अपॉन 5x-7 आया, अब यहीं पे इंटरचेंज कर दो x और y को, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 3y+4 अपॉन 5y-7। अब यहां से y की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, और y की वैल्यू आएगी 7x+4 अपॉन 5x-3। तो ये जो नया फंक्शन बना है ये आपका इनवर्स हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं कि इनवर्स एक दूसरे के हैं। तो जब भी वो मुझे कहेगा कि फंक्शन का इनवर्स निकालो तो आपको कैसे करना है, ये क्लियर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल में आता है सीबीएसई में 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का, पहले 100 नंबर का होता था पेपर तो 6 का आता था, 80 मार्क्स का होता है तो 4 नंबर का आता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि 4 नंबर में आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया उसने कि एफ डिफाइंड है यहाँ से यहाँ, ये ऐसे क्वेश्चन देगा कि एफ डिफाइंड है ये इतना, ये बता देगा सब, और कहेगा फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। सिंपल, देखो क्वेश्चन इतना देगा, एफ इस सेट से इस सेट पे डिफाइंड है, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल्स टू 3x+4 अपॉन 5x-7, ये दिया होगा आपको, पूछेगा इसका इनवर्स। तो पहले वही प्रोसेस करना है, क्या करूंगा, अब ये प्रोसेस आपको रफ में करना है, साइड पे चाहे फेयर में कर दो रफ में, लेकिन इसकी कोई एडिशनल मार्क्स नहीं होते। क्या करोगे, y इज इक्वल टू 3x+4 अपॉन 5x-7, ठीक है, और वो भी लिख देता हूँ कहां से कहां तक था, ऑल रियल -7/5 से लेके ऑल रियल -3/5, ये गिवन था हमें, ठीक है। सबसे पहले इनवर्स जब निकालना होगा, सबसे पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि फंक्शन इज 1:1 and 2:1। जब तक ये प्रूव नहीं कर दोगे 1:1 and 2:1 तब तक नहीं माना जाएगा इनवर्स, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन ही यही है। तो सबसे पहले आप प्रूव करोगे 1:1 and 2:1। तो 1:1 कैसे प्रूव करोगे, 1:1 के लिए आप लिखोगे f(x1) = f(x2), तो लिखोगे 3x1+4 अपॉन 5x1-7=3x2+4 upon 5x2-7। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करोगे, यहां से x1=x2 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज कह दोगे fx इज 1:1, इतना तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से। तो यहां से 1:1 प्रूव कर दिया। ऑन टू प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, अब सीबीएसई में ऐसे मत ऐसे लाइनें खींच के इधर इधर लिख देना, ये सब सीक्वेंस में आएगा, पहले 1:1 प्रूव होगा फिर ऑन टू के लिए ये कर रहा था मैं। ऑन टू के लिए क्या करते थे, कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो y इक्वल्स टू 3x+4 अपॉन 5x-7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5xy-7y=3x+4, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यूज कर लेता हूं, कितनी आई थी, 7y+4 अपॉन 5y-3 अपॉन 5y-3। अब यहां पे देखो x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो y
बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस 3/5, यहां से दिख रहा है ना, वाई हमारे पास सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो किस पे आ रहा है 3/5, तो क्या लिख देंगे वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस 3/5। तो ये देखो ये कोडोमेन गिवन थी क्वेश्चन में, ये रेंज निकाली हमने, कह देंगे कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, तो हमने ऑन टू भी पता लगा लिया, पहले 1 1 दिखा दिया फिर ऑन टू दिखा दिया, तो हेंस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, दोनों बाइजेक्टिव है, इस वजह से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हालांकि हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन आया यही तो इनवर्स होता था, एक्स और वाई बदल दो तो, सिर्फ पहले 1 1 दिखाया फिर ऑन टू, लेकिन थोड़ी सी चलाकी दिखानी है हमें, करना है लेट जी एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, इसी फंक्शन को उठा के जो लिखा हुआ है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, इसी को लेट कर लेना gx, लेट gx इक्वल्स टू दिस, फिर क्या करना है f ऑफ gx निकालना है, सिंप्लीफाई करोगे इक्वल्स टू x आ जाएगा, g ऑफ fx निकालना है सिंप्लीफाई करोगे इक्वल्स टू x आ जाएगा, ये देखो ये निकाला हुआ था हमने, f ऑफ gx निकाला था x आया था, g ऑफ fx निकाला था x आया था, दोनों वही फंक्शन है, वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब फिर लिख दोगे हेंस f ऑफ gx इक्वल्स टू g ऑफ fx इक्वल्स टू x, देयरफॉर f इनवर्स इज gx व्हिच इज 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है इनवर्स निकाल के दिखाने का सीबीएसई में। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन में क्या करेगा, ये फंक्शन देगा, ये कहेगा यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है ये a टू b सेट a टू b, अब क्या करो इनवर्स बता दो, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है दोनों, 1 1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 सिंपलीफाई x1 इक्वल्स टू x2, ऑन 2 के लिए, ऑन 2 के लिए उसकी रेंज लीनियर बाय लीनियर की रेंज हमने कल ही सीखी थी, कैसे निकालते थे क्रॉस मल्टीप्लाई x इन टर्म्स ऑफ y, y यहां पे सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 3/5, y को सारी वैल्यूज दे दी हमने 3/5 छोड़ के, तो जब ये लिखा मैंने और ये मेरा कोडोमेन भी क्वेश्चन में गिवन था, कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए, तो हमने लिख दिया ऑन टू है, अब 1 1 ऑन टू दोनों है, बहुत अच्छा हो गया, इसका मतलब बायजेक्टिव है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये सब लिख क्या हो गया, हेंस इट इज बायजेक्टिव देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब जो x इन टर्म्स ऑफ y लिख के फंक्शन आया था एक्चुअल में यही इनवर्स होता है, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये इनवर्स है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा ये जो बना है y में 7x plus 4 on 5x minus 3, इसको एक नया फंक्शन ले लूंगा gx, और फिर f of gx equals to g of fx किसके बराबर कर दूंगा x के, वो सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले, फिर लिख दूंगा f of gx equals to g of fx equals to x आया, therefore f inverse x equals to this, ये हमारे पास प्रोसेस है इनवर्स निकालने का। ठीक है, अभी ये प्रोसेस हमारे पास इनवर्स निकालने का, अभी के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करने हैं, वैसे हमें एक क्वाड्रेटिक का इनवर्स भी निकालना है हमें, तो वो मैं आप एक बार ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, या फिर एक मिनट, अरे अभी है 5 मिनट, रुक जाओ अभी कर लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा काम, एक ही क्वेश्चन बचा है। हाँ, इसके बाद ये देखना एक्सरसाइज 1.3 के बाद ना बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं करना है आपको, एक्सरसाइज 1.3 तक ही करना है ये चैप्टर, प्लस अगर इसकी मिसलेनियस है, हाँ मिसलेनियस है, मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने हैं आपको जो अपने फंक्शन से रिलेटेड है, बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसने क्वेश्चन दिया कंसीडर f जो कि डिफाइंड है पॉजिटिव रियल से लेके r प्लस, पॉजिटिव रियल से लेके -5 इन्फिनिटी, ये गिवन बाय fx equals to 9x square plus 6x plus minus 5. Show that f is invertible and hence find inverse. Show that f is invertible with, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, f inverse y equals to root of y plus 6 minus 1 by 3. ये पूरा क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन है, उसने कहा f ऑल रियल पॉजिटिव से लेके यहां तक सेट a से सेट b फंक्शन डिफाइंड था, ऐसे दिया था और ये हमें निकालना था, अब ये इनवर्स कई बार देता है कई बार नहीं देता है, तो हम अभी इसको भूल जाते हैं कि हमारे पास है, उसने कहा शो करो इनवर्टेबल और इनवर्स फाइंड करो, वो क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है,
तो सबसे पहली चीज इन्वर्टेबल शो करना है, शो इन्वर्टेबल। उसके लिए क्या करना होगा, शो क्या शो करना होगा हमें, वन वन एंड उन टू, वन वन होना चाहिए और उन टू होना चाहिए, ये शो करना होगा। वन वन के लिए क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू ले लूंगा। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू है तो क्या कर दूंगा, 9x1 square plus 6x1 minus 5 equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5, सब एक साइड ले जाऊंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, x1 equals to x2 आ जाएगा। कर लोगे मेरे ख्याल से, तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, ये कर लोगे। सेकेंड स्टेप में ओन टू प्रूव करोगे। ओन टू के लिए आपके पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 9x square plus 6x minus 5। तो अब क्या करना होगा आपको, 9 कॉमन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूँ, याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता था, रेंज निकालने के काम आएगा ये हमारे। x square plus 6 by 9 हुआ 2 by 3 x minus 5 by 9, कुछ ऐसा बनेगा। देखना कैलकुलेशन, देखते रहना, कुछ गड़बड़ हो तो चैट बॉक्स में लिख देना। 9 कॉमन लिया है मैंने, तो जब 9 डिवाइड में आएगा तो 6 by 9 आएगा, 3 कैंसिल हुआ, 2 by 3 minus 5 by 9, 9। हाफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, हाफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स 1/3 प्लस 1/9 minus 1/9 कर लिया हमने, यही होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी प्लस और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बना मेरे पास इक्वल टू 9 into x plus 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 और 6 6 by 9, ऐसा बना कुछ। 9 अगर मैं वो लेता हूं तो आया 3x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, देखना जरा, हाँ ऐसा ही कुछ बन रहा है, 9 भी कैंसिल हो गया, ये बन रहा होगा हमारे पास, सही है। अब ये मेरे पास फंक्शन बना एफ एक्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अब मुझे दिया हुआ है कि फंक्शन आर प्लस से डिफाइंड है और माइनस 5 से लेके इंफिनिटी, तो ये क्या है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। अब जब एक्स की वैल्यू आर प्लस है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, एक्स मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, या कहूंगा नहीं, एक्स मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। हालांकि इसमें आर प्लस और जीरो दोनों मेंशन होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स ग्रेटर देन जीरो ले लेता हूं, ठीक है। तो एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास, तो 3x भी ग्रेटर देन जीरो होगा, 3x plus 1 greater than 1 होगा, 3x plus 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू अभी नहीं लगा रहा, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में मेंशन होना चाहिए ना इक्वल टू भी, लेकिन अभी हमारे पास ये ग्रेटर देन 3x plus 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, तो 3x plus 1 का स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, तो ये ग्रेटर देन आया माइनस 5, इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन माइनस 5 रहेगा। ये एक्चुअल में यहाँ पे इक्वालिटी दे रखी, या तो इस ब्रैकेट को ओपन होना चाहिए था क्वेश्चन में, या फिर यहाँ पे जीरो भी वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए। फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मेरे पास जो रेंज आई वो किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के, क्योंकि रेंज मैंने खुद निकाली है, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन थी, इसका भी मतलब यही था, इसका भी मतलब यही था। तो रेंज और कोडोमेन अगर मुझे पूरी दोनों गिवन है, अगर यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आती, जीरो इंक्लूड नहीं था, आर पॉजिटिव लिखा था, इसलिए यहाँ ओपन कर दिया मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 1 1 ओन टू दोनों आ गए, तो 1 1 ओन टू होने के बाद मैं क्या कह दूंगा कि मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये रेंज निकाली कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ये आप लोगों को पता है, पहले भी करिए, अब वैसे मैंने दोबारा एक बार कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास फंक्शन है y equals to 9x square plus 6x minus 5, मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, x और y इंटरचेंज कर लेता हूँ, मान लो यहीं पे x और y इंटरचेंज कर ले तो क्या बनेगा, x equals to 9y square plus 6y minus 5, तो 9y square plus 6y minus 5 minus x = 0, तो वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस वाला, तो माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac माइनस 36 इंटू 5 प्लस एक्स बाय 2a, 2a का मतलब हुआ 18, पॉइंट क्लियर हुआ आपको, बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस साइन इसका बाहर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस साइन कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 6, 6 तो कैंसिल कर दो, 6 कैंसिल होगा, 36 बाहर आएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 6 बाय 3, ये मेरे पास y की वैल्यू आई। इसका मतलब जो नया फंक्शन बनेगा इनमें से कोई बनेगा, प्लस या माइनस में से,
अब मुझे पता लगाना है कि ये प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, तो मैं दोनों को लिख लेता हूं, -1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस सिक्स बाई थ्री और -1 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस सिक्स बाई थ्री। अगर मैंने ये बीच का साइन माइनस लिया तो यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो -5 से छोटा भी मिल जाएगा, लेकिन अभी हमने प्रूव करा था कि मेरा जो फंक्शन है वो -5 से बड़ा ही रहना चाहिए आर प्लस के लिए, रहना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मैं आर की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बढ़ाता रहूंगा तो वैल्यू नेगेटिव में जाती रहेगी, नेगेटिव में जाती रहेगी तो वो -5 से छोटी भी हो जाएगी कभी ना कभी, और -5 से छोटी हो जाएगी, इस वजह से इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन को समझ आ गया रिजेक्ट क्यों करा है, क्योंकि मैंने अभी निकाला था कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा -5 से बड़ी रहनी चाहिए, और यहां से जो वैल्यू आई मेरे पास वो कभी ना कभी एक्स की वैल्यू के लिए -5 से छोटी भी होने लग जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा, इस वजह से इसको हटा दिया। एफ एक्स था क्या, वाई था, और ये वाई ही निकाला हुआ है हमने, एफ एक्स था वाई और ये वाई ही निकाला हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू हट गई, तो मेरा एक्चुअल में वाई की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस सिक्स बाई थ्री। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मेरे पास इनवर्स होना चाहिए, और क्वेश्चन याद करो क्वेश्चन में यही इनवर्स गिवन था, रूट ऑफ वाई प्लस, उसने वाई में लिखा है हम एक्स में लिख रहे हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस सिक्स -1/3, देखो यही तो लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स प्लस सिक्स -1/3। तो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में एक एडिशनल स्टेप ये वाला अलग है थोड़ा, जो कि लीनियर बाय लीनियर में नहीं था। पॉइंट क्लियर हुआ, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर पाओगे, एक बार जितना मैंने आज कराया है बहुत क्वेश्चन करके दिखाया, इसकी वीडियो दोबारा से देखना, नोट्स बना लेना प्रॉपर, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, 2-4 मिनट, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करके फिर आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना, नोट्स लाइव लेक्चर हमने देख लिया सीख लिया, एक बार वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना, उसके बाद हालांकि नोट्स बनाने की तुम्हें जरूरत पड़ती नहीं होगी, नोट्स इतने बढ़िया मीत दे देता है बना के, ठीक है, फिर भी सब अपने अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स से ही सबसे सही समझ आता है, वो हेल्प के लिए उसके नोट्स रखो, लेकिन आलस मत मार जाना अपने नोट्स बनाने में, समझ गए। चलो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 1.3। ओके बाय बाय।